सुप्रीम कोर्ट में मोदी और योगी सरकार आमने सामने। मोदी योगी की आपस में हुई टक्कर। शराब की मोटी कमाई के लिए भिड़े केंद्र और राज्य। एक तरफ शराब घोटाले का नाम लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं सहित केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया। जिस शराब घोटाले का मुख्य आरोपी बताया गया, उसने 55 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी के खाते में दिए। करोड़ों रुपए देने के बाद ईडी ने उसे जमानत दे दी। अब मोदी सरकार की जमकर हो रही किरकिरी। दूसरी तरफ शराब की मोटी कमाई के लिए मोदी और योगी सरकार आमने सामने। इंडस्ट्रियल शराब की कमाई पर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर मोदी और योगी सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में जंग जारी है। शराब की मोटी कमाई पर राज्य और केंद्र दोनों की नजर है। उत्तर प्रदेश सरकार बता रही है शराब है उनके अधिकार क्षेत्र में, वहीं केंद्र सरकार कर रहा अपना दावा। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। सीजीआई की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच कर रही है विवादों में सुनवाई। आखिर क्या है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिए? कैसे अब लोग इस मसले पर मोदी योगी सरकार के मजे ले रहे हैं? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला? यह इंडस्ट्रियल अल्कोहल को बनाने, उसको बेचने और उसकी आपूर्ति में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का मामला है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसके बाद इस फैसले को चैलेंज किया गया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच के पास ये मामला पहुंचा। अब इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिए? यूपी सरकार ने बुधवार को अदालत को बताया इंडस्ट्रियल अल्कोहल को विनियमित करने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी ने बताया शराब हमेशा से राज्यों के विधायी क्षेत्र के तहत रही है और केंद्र सरकार का इंडस्ट्रियल अल्कोहल के मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। द्विवेदी ने कहा एक्साइज शराब और स्पिरिट हमेशा से राज्यों के विधायी क्षेत्र रहे हैं, इसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी शामिल है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने की पूरी शक्ति राज्य के पास, वरिष्ठ वकील दिनेश ने बताया। द्विवेदी ने केंद्र ने इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के तहत इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया है। केंद्र सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने की पूरी शक्ति राज्य के पास है। ये मामला उद्योग कानून 1951 की धारा 18G से जुड़ा है। ये धारा केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि उद्योगों से जुड़े कुछ उत्पादों को सही तरीके से बेचा जाए और वो सही कीमत पर उपलब्ध हों। अब लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे, लिख रहे हैं एक तरफ लोग केजरीवाल को बदनाम करते हैं, शराब बेचकर लोगों में गलत आदत डाल रहे, तो दूसरी तरफ मोदी योगी सरकार शराब से कमाई को लेकर आपस में क्यों भिड़ी है? ये लोग शराब को बैन क्यों नहीं कर देते? अगर ये गलत है तो क्या शराब मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती दिख रही है? एक तरफ शराब घोटाले को लेकर मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो चुकी है। 55 करोड़ आरोपी से चंदा लेने का सबूत सामने आ चुका है। क्या इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।